हेलो दोस्तों, नमस्कार। और सभी लोगों को मैं और नया वीडियो में स्वागत करता हूं। और व्हाट्सएप की तरफ से एक बहुत ही बुरी खबर निकल के आ चुका है, क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे जो व्हाट्सएप में तरह तरह का क्या होता है, बैड न्यूज आते हैं। मतलब बैड न्यूज का मतलब फेक न्यूज आ जाते हैं। जैसे एक SMS आते हैं जो आप 10 लोगों को सेंड कर दो तभी जाके आपको अच्छा होगा, नहीं तो आपका लाइफ में कुछ बुरा हो सकता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे SMS हम लोग के पास आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। इसी के ऊपर व्हाट्सएप काम कर रहे थे और उसी के वजह से फॉरवर्ड मैसेज के ऊपर कुछ चीज लागू किए हैं, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है जो क्या क्या लागू किया है, क्या क्या चेंजेस किए हैं। लेकिन तो इतना मैं नहीं बोल सकता जो बॉडी चेंजेस हुआ है, लेकिन छोटा सा चेंजेस हो गया। मैं 2 दिन के बाद पहले देख रहा था जो पूरी चेंज कर दिया था, लेकिन सुबह जब उठा तो उसके अंदर और भी कुछ चेंजेस देखने को मिला है। तो मैं आपको जरूर आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं जो क्या क्या चेंजेस हुआ है। चलिए मैं आ गया मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और मैं पहले मेरा व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। और जैसे कि व्हाट्सएप को ओपन कर लें और देख सकते हैं जो व्हाट्सएप में जो चेंजेस हुआ है वो फॉरवर्ड मैसेज के लेके। तो कोई भी SMS को मैं आप लोगों को थोड़ा सा चेंजेस दिखा देता हूँ। देख सकते हो ये जो SMS है ये फॉरवर्ड लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो निशान है ना, तीर का निशान है, वो एक दिखाई दे रहा है। मतलब ये एक ही बार शायद इसको फॉरवर्ड किया गया है। लेकिन आपको दिखा देता हूँ, जो कोई भी अगर हो, अगर 2-3 बार फॉरवर्ड किया तो किस प्रकार से देखा जाएगा। चलिए ये जो SMS देख पा रहे, जो आप लोगों को इस जगह डबल तीर का निशान दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये दोनों 2 बार भेजा गया है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा चेंजेस इसके ऊपर लेके आया है। और साथ ही साथ आप जो इसको किसी को भेजेंगे, जैसे कि इसको मैं प्रेस करता हूँ, प्रेस करने के बाद देख सकते हैं ओनली फॉर फॉरवर्ड का SMS है। तो इस जगह क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं दूसरे को। लेकिन इस जगह से किसी सोशल मीडिया में फॉरवर्ड मैसेज को आप किसी सोशल मीडिया में भेज नहीं सकते, ओनली फॉर व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। ये तो अपडेट हुआ है। लेकिन चलिए आपको दिखा देता हूँ जी किस प्रकार से। वो जैसे मान लो कोई भी अगर आपको कोई भेजा है, तो किस प्रकार से वो आपको दूसरे को भेज सकते हैं। जैसे कि मान लो ये भी ये जो फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है डबल फॉरवर्ड, तो इसी प्रकार आपको कोई SMS भेजा है तो उसको क्या कर सकते हैं आप, वो सिंगल। जैसे कि मान लो ये कोई आपको भेजा है सिंगल, कोई इसके ऊपर फॉरवर्ड वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसको ऊपर चेंजेस कर देखो। जैसे मैं इसको प्रेस एंड होल्ड करता हूँ, प्रेस एंड होल्ड करने के बाद देख सकते हैं फॉरवर्ड एंड शेयर का बटन आ रहा है। जो शेयर का बटन आ रहा था, इस जगह से क्या कर सकते हैं आप किसी जगह से भेज सकते हैं। देख सकते हैं हर तरह का से भेज सकते हैं, लेकिन जिसको ऊपर फॉरवर्ड लिखा हुआ है या डबल फॉरवर्ड, तो उसको आप किसी से भेज नहीं सकते हैं दूसरी जगह में। जैसे देखते हैं डबल फॉरवर्ड, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ओनली फॉर आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसको आप क्या कर सकते हैं डबल फॉरवर्ड मतलब इसको शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को सवाल आएगा जो सर इसको फॉरवर्ड नहीं होएगा तो कैसे तरीका से हम दूसरे का भेज सकते हैं, तो इसका भी तरीका है आप लोग को बता देता हूँ। जो इसको क्या करना, आपको कॉपी कर लेना। जैसे कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना, तो पेस्ट करने के बाद यह फॉरवर्ड नहीं रहेगा। जैसे भेज देता हूँ, देख सकते हैं आप लोगों के पास मैं किया हूँ, देखिए इसके ऊपर फॉरवर्ड नहीं लिखा हुआ है। तो आप किसी को अगर फॉरवर्ड SMS भेजना है तो उसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दीजिए, तो आसान हो जाएगा। उसके ऊपर फॉरवर्ड भी नहीं रहेगा, तो दूसरे कोई उसको भेज सकते हैं आसानी से। है ना कमाल का फीचर। शायद ये बहुत ही अच्छा खबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रुप हैं तो SMS क्या करते फॉरवर्ड कर देते हैं। तो लेकिन अब ये नहीं होगा, शायद आपको व्हाट्सएप में कुछ SMS आता था तो क्या करते फॉरवर्ड SMS, तो क्या करते तो बहुत सोशल मीडिया अलग अलग सोशल मीडिया फेसबुक बोलो कुछ भी बोलो उसमें शेयर करते थे। लेकिन वो अभी से नहीं होगा, आपको इस जगह कॉपी करके उस जगह पेस्ट करना पड़ेगा, तो अभी जाके आप कर सकते हैं। यही था आज का न्यूज़। चलिए आपको शायद अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और दोस्तों का शेयर कर देना। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चले मिलते अगला वीडियो के ऊपर, तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।